देश के कुछ भागों को या कुछ राज्यों को बीमारू राज्य का करार दिया गया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ राज्य हमारे देश के बीमारू नहीं है, जिन्होंने ये बात कहा है उनका दिमाग बीमारू है। जब देश है, राष्ट्र है, राष्ट्र एकता है, राष्ट्रीय भावना है, किसी राज्य को बीमारू नहीं रहना चाहिए, उसको ऐसा अधूरा नहीं भी छोड़ना चाहिए, विशेष नीतियां बनना चाहिए। हमारे बड़े भाई नीतीश जी कई सालों से, कई दशकों से प्रयत्न में लगे हुए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का स्पेशल कैटेगरी मिलना चाहिए। काफी डिमांड उन्होंने किया है, हमने उनको पार्लियामेंट में कहते हुए भी सुना है ये बात, बाहर भी सुना है। जो प्लानिंग कमीशन को खत्म करके जिस नीति आयोग को बनाया गया है, उसमें भी हम दोनों मुख्यमंत्री के हैसियत में वहाँ हिस्सा लेते थे, भाग लेते थे। उस समय भी मैंने सुना है नीतीश जी को वहाँ कहते हुए, उन्होंने डटकर कहा कि भाई हमको ऐसा कहना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे जी, क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है, कारण क्या है, कोई कारण बताएगा? देश का प्रधानमंत्री राजस्थान राजस्थान जैसा ही रह जाए? मैं जब नीतीश जी से लंच कर रहा था, यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी, कई अन्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ बैठे थे, मैं कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था उन लोगों से, सर भी साथ में थे, कि क्या नीतियाँ बन सकते हैं। मैं आपको एक बात कहूँ, ये मेरी अपनी बात नहीं है, तेलंगाना एक यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। तेलंगाना जब बना 2014 में, हमारे पास भी कई समस्या ऐसे थे, बिजली की बड़ी किल्लत थी, बहुत ही किल्लत थी, कब आता कब जाता भगवान जाने, हर दिन हजारों मोटर जलते थे किसानों के। बिजनेस तो सबसे ज्यादा था कन्वर्टर, जनरेटर, स्टेबलाइजर, बहुत बड़ा बिजनेस था उन लोगों का। मोटर वाइंडिंग करने वाला का भी इतना बड़ा बिजनेस था। लेकिन आज तेलंगाना में एक 6-7 साल के प्रयास के बाद, कठिन प्रयत्न के बाद, 24 घंटा करंट हम देते हैं जी हर सेक्टर को, उच्च गुणवत्ता वाला बिजली हर सेक्टर को देते हैं। और ये मेरा बात नहीं है, आंकड़े भी मेरे नहीं है। पार्लियामेंट में मंत्री जी केंद्र सरकार खुद बताती है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में जो पावर के कंपनियां, जनरेटिंग स्टेशन बनके हैं, किसी न किसी बहाने उनको स्ट्रेस्ड असेट्स कहके पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया जाता है। 30,000 मेगावाट क्षमता रखने वाले कारखाने जो बटन दबाने पर बिजली दे सकते हैं, एनसीएलटी, किनसीएलटी, पिनसीएलटी, एक बुरे बुरे नीतियों के अनुसार वो फंस गया है। क्या हो रहा है देश में? किसानों को क्यों तंग किया जा रहा है? किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है? इसके पीछे क्या है? बड़ा षड्यंत्र है। जैसा मैं कह रहा था, देश को पूरा प्राइवेट 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 बेचो इंडिया चल रहा है, ऐसे किसानों को भी बेहाल कर देंगे, उनकी पैदावार ही नहीं खरीदेंगे, सही नाम देंगे, किसान के साथ झूठे वायदे करेंगे, इनकम डबल करेंगे छोड़ देंगे, 13 महीने जब चुनाव आते हैं तो मीठी मीठी बातें करेंगे, माफी मांग लेंगे, चुनाव खत्म हो गया तो झूठी बातें कहेंगे। क्या हो रहा है जी? प्रधानमंत्री जी किसानों से खुद माफी मांगे थे, क्या हुआ इतने महीने बीत गए? क्या हो रहा है? केंद्र सरकार के पास इतना भी हौसला नहीं है कुछ बात कह सके किसानों को, इस देश के किसानों को? क्या हो रहा है देश में? अगर किया जाए, ये बात मेरा नहीं है जी, विशेषज्ञों का है, शास्त्रज्ञों का है, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान को दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है। ये क्षमता है देश में। बैड पावर पॉलिसी, बिकॉज ऑफ द बैड पावर पॉलिसी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा,
हमारे पास तेलंगाना में ये कोयला खान है जिसके हम ओनर है, तेलंगाना राज, जो सिंगरेनी कालरीज के नाम से जाना जाता है। हमें मिलता है जी कोयला 3,800 रुपए में एक टन मिलता है हमारे जनरेशन स्टेशन को, जबकि हमें केंद्र सरकार से हुक्म आता है 25,000 में एक टन खरीदना पड़ेगा आपको, आप नहीं करोगे बंद करेंगे सप्लाई कोयल इंडिया से। क्या षड्यंत्र है इसके पीछे, कितने लाखों करोड़ का घोटाला है, क्यों मजबूर किया जा रहा है? हमने सवाल किया है, हमने हमारे असेंबली से कह दिया है प्रधानमंत्री को, भाई हम नहीं खरीदेंगे, जो मर्जी आप कर ले, जो कार्रवाई आपको करना कर ले, लोकतंत्र है, हम पे जबरदस्ती नहीं टोकना चाहिए, हम नहीं खरीदेंगे। जब हमारे खुद के कोयला खाने से हमको 4,000 के अंदर कोयला मिलता है, 25,000-30,000 में खरीदने के लिए केंद्र सरकार किसी राज्य को मजबूर करता है, क्यों, क्या वजह है? इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि किसान मजबूर हो जाए, पावर बिल बढ़ाया जाए, उसका फसल नहीं खरीदा जाए, बेहाल होकर किसान छोड़ दे, और सारे जमीन खरीदने के लिए इनके मित्र तैयार हैं करोड़ों पति। एक ही चीज बचा हुआ है, खेती किसानी इस देश में, उसको भी ये लोग कारपोरेट करना चाहते हैं, कारपोरेट कंपनियों के हवाले कर देना चाहते हैं। ये बड़ा बदनसीब बात है। इसीलिए हर किसान को जागना चाहिए, हर किसी को जागना चाहिए, हर बुद्धिजीवी को जागना चाहिए, इन षड्यंत्रों को पहचानना चाहिए और इसके समाधान निकालना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं, हम यूं ही नहीं कहते कि बीजेपी मुक्त भारत, बीजेपी से खतरा है इस देश को, इस खतरा को समझे। क्यों बेहाल परेशान किया जा रहा है किसानों को? प्रधानमंत्री जी खुद माफी मांगे उसके बाद समस्या सुलझता नहीं है, फिर किसान आंदोलन पर क्यों उतर रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, आज हाल में अभी 2-3 दिन पहले हैदराबाद में 26 राज्यों से किसान संगठन के नेता मेरे पास आए थे। हमारे पास जो कार्यक्रम हुए, हम देते हैं जी हर एकड़ में 10,000 का लागत देते हैं, इन्वेस्टमेंट देते हैं हमारे किसानों को, तेलंगाना किसानों का हमने बीमा करवाया, सारे प्रीमियम हम भरते हैं LIC को, और जिस किसी भी किसान का किसी भी कारण एक्सीडेंट नहीं, किसी भी कारण मृत्यु हुआ, 10 दिन के अंदर उनके अकाउंट में सीधे ही 5,00,000 रुपए पहुंच जाता है। क्या इतना भी नहीं कर सकता केंद्र सरकार, इतनी क्षमता नहीं है? जो बात तेलंगाना संभव में है, तेलंगाना में संभव है, पूरे भारत में क्यों संभव नहीं है? हम हर दाना खरीदते हैं किसान से तेलंगाना राज्य में, 7,000 परचेजिंग सेंटर्स हमने खोला है, हर एक दाना टिल द लास्ट ग्रेन तेलंगाना सरकार ही खरीदता है MSP देके। क्या ये काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर पा रहे? इसके पीछे कारण क्या है? क्यों तंग किया जा रहा है?